फ्रेंड्स, सेट थ्योरी की थर्ड लेक्चर के अंदर मैं जो अभी तक स्टडी किया है फर्स्ट और सेकंड में, मैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको ले रहा हूँ। तो जैसे इसने कहा कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, इफ ए सबसेट बी देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इसने ऑप्शन दे रखा है ए फर्स्ट वाले में, दूसरे में बी, तीसरे में फाइव और लास्ट वाले में नोन ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, और इसमें दे रखा है इसने ए में जो दिया है यहाँ पर, ये कह रहा है कि ए सबसेट बी, और उस कंडीशन में इसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। तो हमारे पास में यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, वो ए के भी इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, या फिर फाइव होगा, या कोई नहीं। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, जैसे कोई एग्जांपल ले लें, आप ए इक्वल टू, जैसे मान लो ले लिया आपने 1 2 3, और बी ले लिया आपने 1 2 3 4, इस तरीके से। अब मैंने ये किस आधार पर लिया, मैंने इस आधार पर लिया, इसने कहा कि ये जो है आपके ए सबसेट बी होना चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है ए सबसेट बी है, अब ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो आ जाएगा, तो ये 1 2 3, तो ये आपके किसके इक्वल आ गया, आप देख लें ये ए के इक्वल आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो पहले से ही होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, सेट ए के इक्वल। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, सेकंड में इसने कहा कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी। दूसरी बार में इसने कंडीशन सेम रखी, इसने यही बात कही दूसरी बार भी, ए सबसेट बी एंड उसे पूछा आपसे ए यूनियन बी, और इसमें ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट वाला में ए, सेकंड वाले में बी, और थर्ड ऑप्शन है फाइव, और लास्ट वाला है नॉन ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, हम ये निकालेंगे, इसके पहले दो सेट बना लो, सपोज ये सेट ले लो आप, तो अब इसके अंदर ये सबसेट तो है ही है, तो इसमें देख लो यूनियन क्या होगा, तो यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये आप देख लो सारे एलिमेंट आ गए, इट मीन्स ये सेट हो जाएगा आपके बी, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके बी सही आंसर। फिर इसने क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, वो दे रखा है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, आपके पास सेट दे रखे हैं, और इसने कहा है कि आपको बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, ये इसने पूछा, और ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास दे रखा है एक्स such that x belongs to A, x not belongs to B. दूसरा ऑप्शन है x such that x not belongs to A, x belongs to B. थर्ड वाला है x such that x belongs to A और x belongs to B. और लास्ट वाला है x not belongs to A, x not belongs to B. तो यहाँ हमारे पास सीधी सीधी बात है कि b माइनस ए का मीन क्या बताया था अपन ने, कि b but not A, मतलब x belongs to A और X belongs to B, इन दोनों में से एक चीज हट जाएगी, कौन हटेगी, B but not A, मतलब X A में नहीं है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, मतलब X such that X not belongs to A but X belongs to B, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये आंसर है आपके B minus A वाला, इसके अंदर B, तो B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट, यानी किसी सेट ए के अंदर एन अवयव विद्यमान है, तो उसके लिए पूछा है कि देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने ऑप्शन में दे रखा है 2 पावर n, बी में 1/2 पावर n, सी में 2n और डी में n स्क्वायर। तो आपको ये बात पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो हम 2 पावर n से निकालते हैं,
यानी किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या हम 2n से फाइंड करते हैं। फिर इसने अगला क्वेश्चन दिया है, फॉर डिसजॉइंट सेट ए एंड बी, यानी दो सेट है ए और बी, वो डिसजॉइंट है। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है एन ए यूनियन बी की वैल्यू। एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अब इसमें ऑप्शन जो दे रखा है ए वाले में, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी ऑप्शन में दे रखा है एन ए प्लस एन बी, और सी में दे रखा है एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और डी वाला है नोन ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर चारों ऑप्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि सेट ए और बी के, वैसे तो आपको पता है कि ये जो होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है और पूछे इसने ये। अब यहाँ गड़बड़ कहाँ होती है, इसने क्लियर कह दिया कि ए और बी दोनों ही डिसजॉइंट सेट है, मतलब ये हुआ कि जैसे ए इक्वल टू 1, 2 है और बी इक्वल टू 3, 4 है, तो इस दोनों ही सेट जो है डिसजॉइंट है, असंयुक्त है, मतलब इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, और इस वजह से ये दोनों डिसजॉइंट है। तो इस केस में अगर इनको देखो आप, तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उस केस में ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो एन ए प्लस एन बी बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कॉमन कोई नहीं है तो डिसजॉइंट है, और इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएगा वो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम बात करें एक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर, कि इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रॉपर सबसेट ऑफ जो दिया है, तो आपको प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए आपको 2n-1 कर देना है। ध्यान रखना ये इसके अंदर एक कम कर दोगे तो उस केस में इसका प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी आपके पास में जैसे दे रखा है, मान लो इसमें दिया है लास्ट क्वेश्चन में कि ए इक्वल टू ए बी सी डी और ई, ये एलिमेंट है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर ए के जो सबसेट होंगे वो 2n होंगे, तो उस केस में ये 2 यानी कि 32। अब आपको क्या करना, इसमें से 1 माइनस कर लेना, तो उस केस में इसके जो आंसर होंगे वो 31 हो जाएंगे। अब इसके अंदर भी जो कुछ स्पेशल केस है, लेकिन अभी एक बार यहाँ डायरेक्ट जो बात पूछिए तो उसके अंदर इसका आंसर 31 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन में दे रखा है 21, 31, 32 और 33, तो ये 31 हो जाएगा इसका बी आंसर। प्रॉपर सबसेट की सीरीज में ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था इसके अंदर मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जैसे प्रॉपर सबसेट में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर सबसेट यानी जब कभी सेट ए सब सेट बी हो और ए नॉट इक्वल टू बी हो, यानी जैसे तो उस केस में हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। कैसे, कि जैसे आपके पास में एक सेट है बी इक्वल टू ए बी, मैंने छोटा ही लिया है, अब इसके सारे सबसेट बनाओ आप, तो ये सबसेट ए, सबसेट बी, सबसेट ए बी एंड फाइव, 4 सबसेट होंगे इसके। अब आपको प्रॉपर सबसेट में ध्यान रखना है कि ए के अंदर, मतलब जो इसको अपन प्रॉपर कह रहे हैं, तो बी के अंदर एटलीस्ट
इन सभी यानी ए से एक ज़्यादा होना चाहिए। बी के अंदर ए से एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट हुआ क्योंकि इसमें एक ही है, इसमें दो है। फिर ये भी प्रॉपर सबसेट हुआ क्योंकि इसके अंदर भी एक है, इसमें दो है, तो एक ज़्यादा हो गया। ये इसकी बात करें तो इसके अंदर और इसके अंदर बराबर है, मतलब ये नहीं होगा प्रॉपर सबसेट, और ये फाइव है तो एटलीस्ट वन ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देख लो दो ज़्यादा है तो ये भी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो फाइनली हम किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट के नंबर की जो आएगी वो अपन इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, 2n-1, इससे हम प्रॉपर सबसेट फाइंड कर लेंगे कितने बनेंगे। जो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी सिमेट्रिक डिफरेंस इज, यानी ए और बी के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा ये पूछ रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंस यानी ऑप्शन ए दे रखा है वो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बी ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, और तीसरा ऑप्शन है फाइव, और लास्ट वाला है नोन ऑफ दिस। तो यहाँ सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इसके अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। इसको आप जो प्रेजेंट करते हैं उसके अंदर अपने वेन डायग्राम में, तो उस कंडीशन में यू ये जो इस तरीके से आएगा तो ये आएगा आपके ये वाला पोर्शन, ये जो कॉमन है ये इसमें ये वाला कॉमन है वो ये शामिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपके ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहा जाता है, और इसका प्रेजेंटेशन का तरीका ये है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है या फिर इसको ए ट्राइंगल बी, ये तीनों इसी के रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको समझ लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सेट ए बी एंड सी, इसने पूछा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, बी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और सी वाला ऑप्शन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और लास्ट वाला है नोन ऑफ। तो इसने जो पूछा था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसके अंदर जो आपके राइट ऑप्शन होगा, एक तरह से ये यूनियन का इन दोनों के साथ में वितरण नियम या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, तो ये क्या बन जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तीसरा जो क्वेश्चन है कि फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये किसके इक्वल होगा, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस देख लें आप, यह इंटरसेक्शन कर दिया है या यूनियन कर दिया है। तो इसी तरीके से उल्टे सीधे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर भी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी। तो इसके अंदर सीधी सीधी बात है कि यहाँ इंटरसेक्शन है, तो उस केस में जो ऑप्शन होगा आपके ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी यहाँ पर भी ए को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, और ये ऑप्शन सही है ए वाला। तो ये इस तरीके से ये इन सब के इसमें से ही आपके ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि दिखने में सभी एक जैसे लगेंगे तो आपको थोड़ा सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा ताकि ईजी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो जाए। फिर हम लेते हैं एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए माइनस बी यूनियन
इसने दिया a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये दो सेट दे रखे हैं, ये किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, ये डिफरेंस सेट हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये राइट आंसर है इसका सी वाला ऑप्शन। तो आपको इस तरीके से, आपको जब यहाँ अगर पता नहीं चले तो आप तो दो सेट मान लेना कोई भी ए और बी, और फिर आप ये ऑपरेशन आप जानते ही हो तो ये ऑपरेशन से लगा करके दोनों में किस में इक्वल आ रहा आप इजी वे में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये इस तरीके से आप किसी भी सेट का, आप जैसे मान लो एक और दे दिया इसने क्वेश्चन के फोर एनी सेट ए एंड बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? अब यूं तो हमें पता है कि ए बट नॉट बी है जो पीछे कर चुके, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो दे रखा है वो हमारे पास में दे रखा है, देखो कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी, और ए डैश यूनियन बी डैश, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी कि आपको इस तरीके से, तो आपका सही ऑप्शन जो इसमें होगा, क्योंकि क्लियर लिख रहा है a माइनस बी ए बट नॉट बी, देयर फोर ए बट नॉट बी, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन बी डैश, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप इसको a यूनियन बी डैश राइट कर दो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर ही इसका सही होगा। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए होल डेज। मतलब इसने क्या किया आपके पास में कि सेट ए और बी है, तो इसने पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए होल डेज पूछा है, और इसने इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर ये इसने ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है फाइव, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो उस केस में आप यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएं, ए वैसे इसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, मैं इसको इंटरसेक्शन है तो इसको आगे पीछे कर देता हूँ, इंटरसेक्शन ए, दिस इम्प्लाइज, अब ये यहाँ होल डेज था, तो ये होल डेज हम डी मॉर्गन लॉ यूज करते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा बी डेज इंटरसेक्शन ए डेज और इंटरसेक्शन ए, तो और ये हो जाएगा बी डेज इंटरसेक्शन ए डेज इंटरसेक्शन ए, तो ये क्या हो गया बी डेज इंटरसेक्शन फाइव। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा इसका फाइव। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या हुआ, सी वाला, यानी इसकी वैल्यू फाइव हुई। तो इस तरीके से आपको कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स।